हम मिले आए थे 19 तारीख को देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ को लेकर के सामाजिक संगठन सांस्कृतिक संगठन राजनीतिक पार्टियों के लोग जो सड़क पर अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। डीएम को ज्ञापन देना था कि हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, उसी में यहाँ कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। शांतिपूर्वक वो मार्च था, प्रशासन भी कहीं लाठीचार्ज नहीं किया, ना कोई तोड़फोड़ हुई। शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करके कम से कम 70 लोगों को यहाँ लेकर के बंद किए हुए हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, सांस्कृतिक कर्मी हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार पाए हुए लोग भी इसमें बंद हैं। अब उनके माँ बाप का हम दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको भेजा है यहाँ भी मिलने के लिए, वहाँ भी मिलने के लिए, और ट्रामा सेंटर में जो घायल लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। अंदर किन किन लोगों से मुलाकात किया आपने और क्या आश्वासन दिया है आपने? हमने कहा कि आपके हम साथ हैं और ये लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन आगे भी चलेगा, क्योंकि सरकार जनता की सरकार न होकर के तानाशाही सरकार हो गई है। हिंदुस्तान हमारे संविधान में हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी बात धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से हम सरकारों तक पहुंचाने का हमको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इस पर भी रोक लगा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? यही तो मैं, यही तानाशाही रोक से लगा सकता है। कोई लोकतांत्रिक सरकार, जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। IPC की किसी भी धारा में डायरेक्ट सरकार को मुआवजा सुनने, जुर्माना सुनने कोई अधिकार नहीं है। ये सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि ये जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, आपको याद होगा, बहुत लोगों का नहीं होगा तो पढ़े होंगे, कि वो भी आंदोलन अहिंसात्मक था गांधी जी के आह्वान पर। लेकिन देश के नौजवान उब करके उसमें थोड़ा हिंसात्मक भी हो गया, जैसे थाने फूके गए, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई, गोदाम फूके गए, कलेक्ट्रेट फूके गए, हर सरकारी इमारत पर तिरंगा झंडा गाड़ा गया, जेल में लोग बंद हुए। लेकिन अंग्रेज भी असूली की कार्रवाई की बात नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज लोकतांत्रिक था। गांधी जी या पुलिस धरने पर बैठ जाते थे अनशन पर तो कांप जाती थी सरकार। इनकी भाषा पढ़िए, आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अभी आज ही क्या जोगी जी बोले हैं, तो इनका लोकतंत्र पर विश्वास सही नहीं है। तो चूंकि जनता ने वोट दे दिया है तो संविधान को उनका चलना मजबूरी है, लेकिन इनका असली मकसद जो है तानाशाह का है और अपना रूप ले आ रहे हैं धीरे धीरे। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक सवाल खड़ा किए हैं कि मिलने जब जा रहे परिवार से तो उन्हें रोका जा रहा है, क्या आप बनारस आए तो आपको भी किसी पुलिस ने रोका? हमने परमिशन लिया, हम राजनीतिक आदमी हैं, हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग 74 के आंदोलन किए हैं, 21-22 महीने जेल काटे हैं। तो पहला काम कि हम यहाँ रहे थे तो हमने जेल में मिलने की जेलर से परमिशन ली, लेना चाहिए, तो परमिशन ना ले दे उसके बाद की बात है, हम परमिशन लेके आए। उसके बावजूद आपके विधायक और मंत्री को रोक दिया गया ऐसा? नहीं, 5 लोगों का डेलीगेशन था, 5 लोगों को मिल दिया, सबको हुजूम तो नहीं था, परमिशन जितने का था उतना मिला। भाजपा के लोगों का कहना है कि जो भी इतना हिंसक हुआ या जो भी इतना प्रदर्शन हुआ उसमें सिर्फ विपक्ष का हाथ, विपक्ष के लोगों ने ही लोगों को बरगलाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो उस दिन अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात कह रहे थे सरकार से, DM के माध्यम से गवर्नर को पत्रक देना था, वो सब अहिंसक लोग थे और शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन था। ये जो आंदोलन के बाद जैसे लखनऊ ले लीजिए, 2 बजे हर जगह पत्रक दे के हमारी पार्टी के लोग हट गए, चाहे सांस्कृतिक चाहे सामाजिक संगठन हट गए हैं। 4-5 के बीच में वहाँ मोटरसाइकिल गाड़ी फूकी गई है, वो लोग गमछा बांध के आए हैं। स्पष्ट मेरा आरोप है या कहना है कि जितने आंदोलनकारी हैं उसमें किसी का तोड़फोड़ में हाथ नहीं है। तोड़फोड़ में हाथ सरकार के इशारे पर पुलिस, भाजपा, RSS के लोगों का हाथ है, जिस तरह से आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखें, आप ही चला रहे, सब देखते हैं, जामिया मिलिया में जो लड़की को खींच रहा है 2 आदमी, वो सबसे महंगा जींस पहना है, सबसे महंगा जूता पहना है, ड्रेस सादा है, और पुलिस वाला सुरक्षा कवच को ओढ़ लिया है।
वो मार रहा है लाठी से, पुलिस वाला गाड़ी में पेट्रोल छिड़क रहा है बस में, और एक पुलिस वाला जला रहा है गोली। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार के इशारे पर पुलिस, आरएसएस और भाजपा के लोग हर जगह पूरे देश में तोड़फोड़ आगजनी का काम किया है। कोई भी आंदोलनकारी सरकार का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या कोई चीज़ें नहीं है? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि रेप, छेड़खानी और बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया में एक स्थान है, हिंदुस्तान पांचवा पर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंग राज कायम है, रोज रेप, रेप के बाद लड़कियों को, बहनों को जला देना, मारना, रेप, छेड़खानी, डकैती, चोरी, छिनैती, अब तो हद से बाहर तब हो गया कि आप जब सही लिख रहे दिखाएंगे तो आप जी, अगर आप सही दिखला दिए या तो आपका मालिक आपको हटा देगा, अरे जी चल जाइए सरकार के मतलब। अभी मिर्जापुर में क्या हुआ, एक आदमी ने सही लिख दिया कि नू रोटी लड़कों को खिलाया जा रहा था, जेल हो गया। एक बनारस के साथ भी एक आदमी कैसी घटना घटी, ऐसे 8 घटनाएं घटी। हम कह रहे हैं कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं कहा है, इंदिरा गांधी भी नहीं कही कि मैं आंदोलन को कुचल दूंगी। मुख्यमंत्री बोल रहे कि हम आंदोलन को कुचल देंगे, DGP ने कहा कि हम आंदोलन को कुचल देगा आंदोलन के पहले, और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका हम बदला लेंगे, हम वसूली करेंगे। अरे तुम जनता के राजा हो, अगर जनता को कोई कठिनाई होगी तो आपसे तो मांग करें, किसे मांग करेंगी? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं 1977 से विधानसभा में हूँ, केवल एक बार नहीं रहा, दसियों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमको देखने को नहीं मिला। क्या इसका विरोध करने का पहल करेंगे आप? पहल हम लोग आंदोलन में कूदे हैं कि पहल करेंगे? हम लोग आंदोलन से ही राजनीति में आए हैं, जयप्रकाश आंदोलन से ही हम राजनीति में आए हैं। इसके आगे का क्या रणनीति होगा? वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन्होंने जो बिल्कुल जारी रहेगा जब तक ये सरकार नहीं जाएगी केंद्र की और यहाँ की, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन पर तो बैंड कर दिया गया है। अरे बैंड कर दिया, 144 लगा दिया तो हुआ कि नहीं हुआ? 144 उन्होंने लगाया तो हुआ कि नहीं हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कह रहा था? हम सरकार के किसी कानून को नहीं मानते, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन है।